देखते हैं क्या कह रहे हैं सीएम योगी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, माता जानकी की, भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गौ माता की, सरयू माता की, सरयू माता की, नमः पार्वती पतये हर हर। अवध तहां जहां राम निवासो तहां ही दिवस जहां भानु प्रकाशो, जो पे सिय राम बन जाही अवध तुम्हार काज कुछ नाही। दीपोत्सव के इस अष्टम संस्करण कार्यक्रम में आज इस समारोह की शोभा बढ़ा रहे हैं अयोध्या धाम के हमारे सभी पूज्य संतों की उपस्थिति में आज जो एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है। केंद्रीय मंत्री पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रभारी मंत्री अयोध्या श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री सचित सन शर्मा जी, विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, महापौर महंत ग्रीसपति त्रिपाठी जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर हरिओम पांडे जी, माननीय विधायक गण, आज के इस समारोह में अपनी कृपा पूर्वक उपस्थिति के कारण इस समारोह की शोभा बढ़ा रहे जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री सिद्धाचार्य जी महाराज, जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज, मणिराम दास सावनी के श्री महंत जी के कृपा पात्र महंत कमल नयन दास जी, बड़े भक्तमाल के श्री महंत अवधेश दास जी, श्री महंत राजकुमार दास जी, श्री महंत राम शरण दास जी महाराज, श्री महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य जी, श्री महंत भरत दास जी,
महाश्रीमहंत धर्मदास जी, जगतगुरु श्री सतवा बाबा महामंडलेश्वर, महंत संतोष दास जी, महंत रामदास जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अयोध्या के हमारे सभी पूज्य संतजन, उपस्थित भक्तगण, प्रदेश सरकार के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और प्रदेश के अंदर जहां कहीं भी लोग इस आवाज को सुन रहे हैं, उन सबको भी मैं आज के इस ऐतिहासिक दिन की हृदय से बधाई देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये सचमुच हमारे लिए अत्यंत आलाधित करने वाला क्षण है। याद करिए, आज से 8 वर्ष पूर्व ये 8वां संस्करण है दीपोत्सव का, और प्रथम संस्करण में जो हम लोग आए थे, राम कथा मंडप भी छोटा था, भीड़ में उत्साह था, लेकिन एक ही स्वर गूंजता था और वह स्वर एक ही गूंज रहा था, एक ही नारा लग रहा था। वह नारा था, चाहे वह संतों की ओर से चाहे वह भक्तों की ओर से, एक ही नारा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। एक ही स्वर गूंज रहा था और मैंने उनको समय कहा था, विश्वास करिए, विश्वास करिए, ये जो दीप आपके द्वारा जलाए जाएंगे केवल दीप नहीं है, ये सनातन धर्म का विश्वास है। प्रभु राम की कृपा अवश्य बरसेगी, 500 वर्षों के बाद वे अपने धराधाम पर अपने काज को प्रारंभ करने के लिए अवश्य कृपा बरसाएंगे। आप कार्य करिए, कृपा भगवान की अपने आप बरसने वाली है। और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी दूरदर्शी सोच के कारण 5 अगस्त 2020 को जब दुनिया कोरोना महामारी के सामने पस्त थी, तब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अयोध्या धाम में आकर के अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए अयोध्या आकर के उन्होंने राम मंदिर की आधारशिला का कार्यक्रम अपने कर कमलों से संपन्न किया था। और यह वर्ष अयोध्या के लिए अद्भुत है, अनुपम है, अलौकिक है, अद्वितीय है। जब इस वर्ष 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर से रामलला अपने धाम में, अपनी जन्मभूमि में विराजमान होकर के दुनिया के अंदर पीड़ित और प्रताड़ित लोगों को संदेश दे गए हैं कि कभी भी अपने पथ से विचलित मत होइए, संघर्ष का रास्ता अपनाइए, सफलता जरूर प्राप्त करेगी, सफलता जरूर प्राप्त होगी। यह अवसर है हमारे पास उन सभी आत्माओं को स्मरण करने का जिनका पूरा जीवन राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए, प्रभु राम की कृपा का प्रसाद प्राप्त करने के लिए समर्पित था। मैं इस अवसर पर उन सभी पूज्य संतों को नमन करता हूं, उन सभी हुतात्माओं के लिए जिन्होंने 3.5 लाख की संख्या में अपना शहादत देकर के एक ही तमन्ना के साथ इस धराधाम से विदा हो गए कि चाहे जैसे भी हो, हमारे बलिदान की कीमत पर ही सही,
लेकिन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। उनका संकल्प पूरा हुआ, अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। रामलला फिर से अयोध्या धाम में फिर से विराजमान हो चुके हैं। लेकिन रामलला के विराजमान होने के बाद ये दीपोत्सव का पहला अवसर है। इससे पहले हम लोग बोलते थे और जो कहा सो करके दिखाया भी था। बहन और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। अकेले अयोध्या धाम के विकास के लिए, जिस अयोध्या में 2017 के पहले बिजली नहीं मिलती थी, यहां की सड़कों की स्थिति, यहां के घाटों की स्थिति, यहां के मठ और मंदिरों की स्थिति, और जिन लोगों ने राम को ही उपेक्षित कर दिया था और जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा किए थे, वे केवल भगवान राम की ही, भगवान राम के ही अस्तित्व पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे थे, वे सनातन धर्म के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे। वे आपके अस्तित्व पर खड़ा करते थे प्रश्न, वे आपकी विरासत पर प्रश्न खड़ा करते थे। लेकिन कितना सदा सहिता है हमारी, सदा सहिता ही समझो, लेकिन आपकी सदा सहिता विरोधी को कायरता नजर नहीं आनी चाहिए। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं आपसे आज, आपने 2017 के बाद जो भी कहा वह अयोध्या के अंदर हो करके रहा है। हम लोगों ने कहा था कि आपने कहा था 17 में, कहा था इसी मंच पर, उस समय कहा था पूज्य संतों की उपस्थिति में कहा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। बहन और भाइयों, मंदिर का निर्माण तो हो गया है, रामलला भी विराजमान हो गए। इसी मंच से मैंने और मेरे सहयोगियों ने भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आपको कहा था, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाएंगे। आज अयोध्या चमक रही है, दुनिया अयोध्या की ओर आ रही है। 31,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं या तो पूरी हो गई है या जिन पे कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और बहनों और भाइयों, इससे भी आगे जाकर के भी इस पे कार्य होने हैं। ये तो एक शुरुआत है, शुरुआत अयोध्या एक शुरुआत है सनातन धर्म के लिए, विरासत और विकास के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए, उस अभियान को वैश्विक मंच तक ले जाने के लिए। आज काशी हमारी चमक रही है, भव्य और दिव्य काशी के दर्शन दुनिया कर रही है। आज हमारा अयोध्या धाम जो भी आता है, मैंने 22 जनवरी को दृश्य देखा है, 23 जनवरी को मैंने वह दृश्य देखा है, जब देश भर से आए हुए श्रद्धालु अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का दर्शन करते थे, उनके आंखों में खुशी के आंसू थे, कोई पिलर को पकड़ करके आंसू बहाता था और कोई जमीन पे लेट करके भगवान को भी दंडवत करता था, उनके सामने शीश नवाता था, लेकिन अपने अश्रु बहा करके खुशियों को भी उजागर करता था। बहनों और भाइयों, वह सभी दृश्य मैंने अपनी आंखों के सामने अयोध्या के अंदर देखे हैं, और मैंने उन लोगों के भी काले कारनामे देखे हैं जिन्होंने राम भक्तों के लहू से अयोध्या को और सरयू मैया को लहूलुहान किया था। वह दृश्य भी हम लोगों ने अयोध्या के अंदर देखा है, और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं आज। हमने जो कहा, ये डबल इंजन की सरकार ने जो कहा था वह तो करके दिखा दिया। अब अयोध्या की बारी है, अयोध्या को फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है। और याद रखना, ये मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार, ये बार बार नहीं होनी चाहिए, हमें इस अभिशाप से निकलना ही होगा, अयोध्या को भव्य और दिव्य रूप देना ही होगा।
इसके लिए अयोध्या वासियों को एक बार फिर से आगे आना होगा और इसी के लिए आज हम आपको एहसास कराने के लिए आए हैं। ये जो कार्यक्रम इतनी भव्य रूप में यहां पर आयोजित हो रहे हैं, ये जो स्वरूप है अयोध्या का, ये बदलावा स्वरूप आज दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कोई सोचता था अयोध्या में 4 लेन की सड़कें होंगी, धर्मपथ के नाम पर होंगी, रामपथ के नाम पर होंगी, भक्तिपथ के नाम पर होंगी, जन्मभूमि पथ के नाम पर होंगी। कोई जानता था इतने फ्लाईओवर अयोध्या के अंदर बनेंगे? कोई कभी कल्पना करता था कि अयोध्या, जहां 4 घंटे 5 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, जो लोग आपको बिजली के लिए तरसाते थे, सड़ी हुई गर्मी में तरसने के लिए छोड़ देते थे, वे भी आज राम की दुहाई दे रहे हैं। जो लोग राम जी की पेड़ी में सड़े हुए जल में आपको स्नान करने के लिए मजबूर कर देते थे, वे भी आज अयोध्या आकर के अपना ताल ठोंकना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों ने तो राम जी की पेड़ी को ऐसा बना दिया, एक तरफ से आज पानी आता है और दूसरी ओर निकल जाता है। ऐसे लगता है जैसे हरिद्वार की राम जी की पेड़ी आज हर जी की पेड़ी बनकर के यहां के भक्तों को तार रही हो। आज अयोध्या को देश की पहली सोलर सिटी बना दिया गया है। और याद करिए, हजारों वर्ष पहले भगवान राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे और तब से अयोध्या में फिर से विमान नहीं उतर पाया था। बहन और भाइयों, मोदी जी की कृपा से अयोध्या इस अवसाद से मुक्त हुआ, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, पूरे देश की कनेक्टिविटी अयोध्या के साथ जुड़ी। जिन लोगों को कार्य नहीं करना था, पहले राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, उससे पहले राम भक्तों पर गोली चलाते थे, जब एयरपोर्ट का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तो उन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया कि साहब, ये किसानों का शोषण हो रहा है। जब यहां पर मंदिर, यहां सड़क के चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ, उन्होंने कहा साहब, व्यापारियों का शोषण हो रहा है। मुझे बताओ, अगर हम 4 लेन की सड़क नहीं बनाते, 4 लेन की सड़कें यहां की नहीं बनती, तुझे लाखों श्रद्धालु आ रहा है, क्या ये अयोध्या में सुरक्षित यात्रा कर पाता, यहां दर्शन कर पाता? क्या अयोध्या में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, आजादी के बाद जिन लोगों ने प्रदेश में और देश में शासन किया, उन्होंने क्या इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था क्या कि यहां पर लाखों श्रद्धालु आकर के दर्शन कर पाता? एवरेज 1 लाख श्रद्धालु वर्तमान में है और पीक सीजन में यह 5 लाख और कभी कभी 35 लाख तक पहुंचता है। बहनों और भाइयों, यह जो कार्य हुआ है, जिन लोगों को नहीं करना था वे प्रश्न पहले खड़ा करते थे, आपके अस्तित्व के लिए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, और आज जब विकास हो रहा है तो विकास में किसी प्रकार से बैरियर बनना है, लेकिन अयोध्या को छेड़े बगैर हम लोग इन बैरियर्स को भी हटा रहे हैं। ये बैरियर भी हट रहे हैं, ऐसे ही हट रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश को माफिया से मुक्त करके उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित प्रदेश बनाया गया है। सनातन धर्म के बैरियर को भी, सनातन धर्म के मार्ग के बैरियर भी हटाने हैं। जो लोग सनातन धर्म पर बार बार प्रश्न खड़ा करते हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूं, सनातन धर्म ने कभी किसी का अहित नहीं किया, किसी का अहित नहीं किया, सबको गले से लगाया। दुनिया की कोई ऐसी जाति, कोई ऐसा मत, संप्रदाय, सेक्ट नहीं जिसकी विपत्ति के समय सनातन धर्मावलंबियों ने उन्हें शरण देकर के फलने फूलने आगे बढ़ने का अवसर न दिया हो। विश्व मानवता आज भी इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है।
लेकिन इस सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज सनातन धर्म पर कुठाराघात करके न केवल सनातन धर्म और भारत की आत्मा को लौलुहान करने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि इसके नाम पर भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद को लोग बढ़ाना चाहते हैं। क्या नक्सलवाद और आतंकवाद को हम बढ़ावा देना देंगे? फिर भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास का परिणाम क्या है? और फिर बजरंगबली का मतलब क्या है? राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम, और हम लोग भी विश्राम नहीं लेने वाले हैं तब तक जब तक कि सनातन धर्म के मार्ग में जितने भी रोड़े हैं जब तक इनको नामो निशान इनको समाप्त न कर दिया जाए। जो भी मानवता के मार्ग में, विकास के मार्ग में बैरियर बनेगा उसकी वही दुर्गति होनी है जो उत्तर प्रदेश के माफियाओं की हुई है। और बहनों और भाइयों, अब अयोध्या से मैं यही कहना चाहता हूं, यह अवसर है हम सब के लिए। अवधपुरी तो आज खुश है, अवधपुरी को उल्लास और उमंग के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। और आज का दिन तो दीपोत्सव तो अयोध्या की देन है। देश और दुनिया में दीपोत्सव के आयोजन जहां कहीं भी होते हैं, त्रेता युग में उसकी शुरुआत इसी अयोध्या से हुई थी, इसी अयोध्या धाम से हुई थी। उसी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, और उसी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए तुलसीदास जी ने भी कहा कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी भये सकल शोभा के खाने। यानी आज प्रभु आए हैं और यहां पर तो 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से जब रामलला का विराजमान हुआ था, अयोध्या धाम उसी प्रकार से जगमगा रहा था। और अयोध्या धाम ही नहीं, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी था वह सर्वत्र सर्वत्र इसकी प्रशंसा हो रही थी, हर्षोल्लास के गान हो रहे थे, सर्वत्र लोग नतमस्तक थे इस बात को लेकर के कि वास्तव में भारत ने अपने लोकतंत्र की ताकत का एहसास दुनिया को कराया है। न्यायपालिका का फैसला, एक मजबूत सरकार कैसे उसको मजबूत तरीके के साथ शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से जमीनी धरातल पर उतारती है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और रामलला का विराजमान होना इसका एक अप्रतिम उदाहरण है। और इसलिए यह कार्य यहां पे हो चुका है क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा है। अयोध्या के बारे में तो भगवान राम ने स्वयं कहा है कि यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विद्युत जुग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोहु, यह प्रसंग जानहि को। यानी उन्होंने कहा है कि यद्यपि सबने वैकुंठ की बहुत बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध भी है और दुनिया भी इसको जानती है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं, यह बात बिरले ही जानते हैं। क्योंकि जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। क्योंकि यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। आप याद करिए, यह रामायण कहता है, यह हमारा रामचरितमानस कहता है, लेकिन जो लोग राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, इन जन्मान द्वंद्वों को कभी ये दिखाई नहीं दे रहा था, ये राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, कहते थे कि क्या अयोध्या में ही राम ने जन्म लिया है, ये प्रश्न खड़ा करते थे। ये प्रश्न केवल राम के लिए नहीं था, ये सनातन धर्म के लिए था, आपके लिए था, आपकी विरासत के लिए था, आपके पूर्वजों के लिए था। और तब भी हम मौन बने रहे। अति प्रिय मोही यहां के वासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। बहनों और भाइयों, अब तो रामलला विराजमान हो चुके हैं
और मैं आप सबसे आह्वान करूंगा, अब अवसर है। मोदी जी ने 2014 में देश के अंदर प्रभु राम के राम राज्य के अनुसार देश की शासन व्यवस्था का संचालन करना प्रारंभ कर दिया है। आपने देखा होगा कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग के लिए 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था को भी जारी किया है, यानी सबको स्वस्थ रखने के लिए मुफ्त में 5 लाख का एक कार्ड हर 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग को प्राप्त हो जाएगा। वे कहीं भी इन पैनल हॉस्पिटल में जाकर के अपना उपचार करा सकता है। आप अनुमान करिए कि 2014 के बाद से कितना परिवर्तन हुआ। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 10 करोड़ गरीबों के घर में एक एक रसोई गैस का सिलेंडर मिल गया, 50 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है, 80 करोड़ लोग कोरोना कालखंड में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ जो प्रदान हुआ था वह आज भी जारी है। आज भी फ्री में राशन सबको बिना भेदभाव के मिल रहा है। कोई भेदभाव तो मोदी जी के स्तर पर नहीं हुआ, न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं हुआ। सबका साथ सबके विकास का यह भाव, ये वही भाव है जो हमारा रामचरितमानस भी कहता है। यानी भगवान राम के राजगद्दी पर बैठने के बाद क्या हुआ था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम काज नहीं काहू व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत सुत नीति। बहनों और भाइयों, आज उसी तर्ज पर नया भारत चल रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम है, अद्भुत संगम है। और हम सब भारतवासियों की जिम्मेदारी बनती है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है, ये 25 करोड़ की आबादी अगर आगे बढ़ेगी, भारत आगे बढ़ेगा, भारत का विकास आगे बढ़ेगा। और विरासत और विकास के इस अद्भुत समन्वय के लिए ही आज यह प्रयास प्रारंभ हुआ है। कहीं काशी में, कहीं अयोध्या में, कहीं मथुरा वृंदावन में, कहीं बरसाना में, कहीं कुशीनगर, कपिलवस्तु और श्रावस्ती में, संकिसा में, कौशाम्बी में, ये सर्वत्र इस प्रकार के विकास के कार्य विरासत का संरक्षण करते हुए निरंतर चल रहे हैं। ये निरंतरता जारी रहेगी। नैमिषारण्य को भी हम लोग इसी भाव के साथ वैश्विक मंच पर लेके आ रहे हैं। नैमिषारण्य ये डबल इंजन की सरकार, भारत के ज्ञान की साधना की वस्तली, जहां पर भारत का वैदिक ज्ञान लिपिबद्ध हुआ था। 88,000 ऋषियों ने कई वर्षों की साधना के बाद उसे लिपिबद्ध करने का काम किया था। आज उस नैमिषारण्य पर भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, और वहां के साथ ही सुख तीर्थ कोई भी भागवतकार तब तक कथा व्यास नहीं बन सकता जब तक कि सुख तीर्थ में जाकर के अपनी कथा का वाचन न कर ले। आज उस सुख तीर्थ के विकास का कार्य हो रहा है। नमामि गंगे में विरल गंगा निर्मल गंगा का काम हो रहा है। हर घर नल की योजना के माध्यम से हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य भी हो रहा है। बहनों और भाइयों, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए और सुरक्षा के लिए तो कहना ही क्या है। बड़े बड़े गुंडे और दुर्दांत माफियाओं के ऊपर जब बजरंग बली की गदा चलती है ना, तो वे भी वैसे ही तड़पते हैं जैसे खर और दूषण तड़पते हुए मारे गए थे। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम सबका संकल्प होना चाहिए, ये शुरुआत है, शुरुआत।
और इस शुरुआत को मंजिल तक पहुंचाना है। मंजिल का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबके सामने दिया है और मंजिल का लक्ष्य है 2047 में जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाए तब कैसा भारत हो, जैसे अयोध्या है ऐसे ही काशी में भी दिखना चाहिए, ऐसे ही मथुरा में भी दिखना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, और ऐसे ही काशी में भी हो हर हर महादेव के गुंजायमान से काशी बाबा विश्वनाथ धाम भी गूंजना चाहिए। विकास सर्वत्र हो, आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक किसी प्रकार के दुख और दलिद्रता के लिए कोई जगह ना हो। ये नया भारत उस दिशा में मजबूती के साथ कदम उठा रहा है और उसी का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि प्रभु की कृपा। और मैं सचमुच समझता था कि मैं एक बात देख रहा था कि कैसे होगा, जिस दीपोत्सव के कार्यक्रम को दुनिया की सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना नहीं रोक पाई, इस बार कैसे होगा। प्रभु ने अपनी लीला दिखाई, इस बार भी हम सब यहां पर उपस्थित हो गए और इस बार तो श्रृंगवेरपुर में भी यह कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। अभी यहां पे हमारे डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी भगवान राम को वहां रिसीव करके भरत मिलाप के कार्यक्रम में माल्यार्पण करके सीधे श्रृंगवेरपुर गए हैं। श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज के मैत्री का मिलन का संगम स्थल, यहां का जो हमारा रेन बसेरा बन रहा है वह निषाद राज के ही नाम पर बन रहा है, बन करके तैयार हो चुका है और एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हो चुका है। पहले महर्षि वाल्मीकि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की गई। बहनों और भाइयों, 2025 का वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, देश और दुनिया से आएंगे। उन करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या धाम को आपको तैयार करना होगा। आतिथ्य का अद्भुत उदाहरण उत्तर प्रदेश वासियों को, देशवासियों को प्रस्तुत करना है और आज उसी का आह्वान करने के लिए आया हूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं इस बात के लिए, विरासत और विकास का जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में रुकने नहीं पाएगा, डिगने नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकास की गंगा मां सरयू की कृपा से, प्रभु की कृपा से निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी प्रदेशवासियों को और सभी सनातन धर्मावलंबियों को आज के इस अवसर पर प्रभु राम के अयोध्या धाम आगमन की स्मृति में आयोजित इस दीपोत्सव के भव्य कार्यक्रम के अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूं, पूज्य संतों का अभिनंदन करता हूं। हमारे अतिथि के रूप में यहां पर भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जिन्होंने अयोध्या के विकास के लिए भी, नेमिस के विकास के लिए भी और प्रयागराज के विकास के लिए भी कल ही उस कार्य योजना को अपनी स्वीकृति दी है कि पर्यटन विकास के और भी कार्य होने चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर। उन सब के लिए ब्रिज क्षेत्र के लिए भी अपनी सहमति दी है। आज स्वयं इस दीपोत्सव कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका, आप सभी श्रद्धालुजनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज यहां पर हम लोग अभी राम जी की पेड़ी में आप पूज्य संत गजन और श्रद्धालुजन जाएंगे। याद रखना, हमारी सबसे बड़ी ताकत है अनुशासन। उत्साह होगा लेकिन अनुशासन के दायरे में होगा, वह अनुशासन दिखना चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबको दीपोत्सव का, दीपावली का हृदय से बधाई देता हूं।
प्रभु श्री राम से ही प्रार्थना करता हूं कि आपके व्यक्तिगत जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में खुशहाली लाए, सुख और समृद्धि लाए और निरंतर इस दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ते रहे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं, आप सबके प्रति मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।